हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पर आ गए हैं। पहले हम एक नज़र मंथली चार्ट पर डालेंगे कि यहाँ पर क्या मोमेंटम होने वाला है, यहाँ पर किस तरह के पैटर्न बना हुआ है। आप यहाँ देखिए कि मार्केट इस तरह से डाउन हुआ, यहाँ पुल बैक लेने के बाद इस तरह से स्लोली स्लोली ये ऊपर मूव कर रहा है। बार बार यहाँ पर पॉज ले रहा है, इसके बाद ऊपर जा रहा है अपसाइड में। यहाँ पर फिर पॉज लेने के बाद अपसाइड में फिर से मूव करने के लिए रेडी है। यहाँ पर बुलिश साइन हमें दे चुका है कि यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। आप मंथली कैंडल में यहाँ पर देख सकते हैं, मंथली चार्ट में ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट बुलिशनेस का सिग्नल दे दिया है। यहाँ पर मार्केट पहले पॉज लिया, इसके बाद यहाँ पर फिर से अप जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ से आप अच्छा, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा बाइंग आ सकती है, यहाँ से अच्छा मोमेंटम कर सकता है। आप निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स में देखेंगे तो मार्केट निफ्टी है जो इस लेवल को क्रॉस करके बहुत अपर साइड में मूव कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी में स्लो मोमेंटम है, इसलिए आने वाले समय यानी कि जून में बहुत ही फास्ट मोमेंटम करने का यहाँ पे ज़्यादा चांस है निफ्टी बैंक में, क्योंकि बैंक निफ्टी 50 है जो कभी काफ़ी हाई लगा चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी है जो अभी थोड़ा सा पीछे है। यहाँ पर मोमेंटम अभी स्लो है, लेकिन जून महीने में यहाँ पर फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग यहाँ पर वीकली देख लेते हैं, थोड़ा सा वीकली में भी एक झलक देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में बताया था, पिछले मंडे को ही, कि मार्केट जहाँ से डाउन साइड फॉल होने के लिए जिस पॉइंट पर डाउनफॉल होने के लिए जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट दिया है उसी पॉइंट पर यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर ब्रेकआउट दिया था डाउनफॉल होने के लिए, और फिर इसी पॉइंट पर यहाँ पर होल्ड लिया। आप यहाँ देखिए कि इनसाइड यहाँ पर एक जो कैंडल बनाया है ये इंडिसिजन कैंडल है। यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया था कि अगर इस प्राइस के ऊपर अगर यहाँ क्लोजिंग इसका ऊपर होती है तो मार्केट यहाँ से हमारे बुलिशनेस का साइन देगा। तो आप वीकली में भी यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट का जो साइन है वो बुलिशनेस के ऊपर है कि यहाँ से मार्केट बुलिश साइड ही रहेगा, अप ट्रेंड में कंटिन्यूस करेगा। तो अगर मार्केट अगर कल मंडे को इस हाई को क्रॉस करती है, 35,500 को क्रॉस करती है, तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि एक ही वीक में इस हाई को भी क्रॉस कर दे, इस हाई को भी टच कर दे, यहाँ से फास्ट मोमेंटम होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो मोमेंटम कैच करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा एसएल होगा और इस हाई को क्रॉस करेगा तो यहाँ से बहुत ही क्विक मोमेंटम होगा। हमें एक वीक में ही इस लेवल को हम क्रॉस करते हुए देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही फास्ट मोमेंटम होने वाला है। तो चलिए हम लोग कल मंडे के लिए 15 मिनट कैंडल पर देख लेते हैं कि कल मंडे को इन बैंक निफ्टी में क्या होगा, हमारे लिए कल का एनालिसिस क्या होगा। गैप डाउन खुले तो हम क्या करें, गैप अप खुले तो हम वहाँ पर क्या करें, फ्लैट खुले तो क्या करें, इन सारे पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम कि अगर कल मार्केट इस रेंज में खुलती है, 35,000 से लेकर 35,250 के बीच में खुलती है इस रेंज में, और इस तरह से ट्रेड करके फ्लैट खुलने के बाद अप साइड क्रॉस करती है 35,250 को, तो यहाँ पर बाइंग होगा। और अगर 35,000 के डाउन साइड में क्रॉस करती है तो यहाँ पर सेल होगी। तो आप यहाँ पर पहले परफेक्ट प्लस पर खुल जाने दीजिए, इसके बाद वहाँ पर आप लेवल देख लीजिए, इसके बाद ट्रेड करने का कोशिश कीजिए। और हाँ, जब भी आप ट्रेड कीजिए तो वहाँ पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप काम करेंगे तो मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि मार्केट इस लेवल पर खुले, 35,500 के आसपास खुले, इस लेवल के आसपास में, तो यहाँ से भी सेल साइड में आ सकती है, यहाँ से मार्केट सेल साइड में आ सकती है। यहाँ पहले आप 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल बन जाने दीजिए, इसके बाद इस हाई को क्रॉस करती है तो हम बाई करेंगे, और अगर लो को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है, इस लेवल के आसपास में खुलती है, 34,900 या 34,800 या 35,000 के नीचे खुलती है, 35,000 के नीचे खुलती है, तो यहाँ से मार्केट सेल साइड में जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि
जितने भी बायर्स होंगे इस पॉइंट पर बायर्स होंगे या इस पॉइंट पर बायर्स होंगे, सारे का एसएल कट जाएगा। जो भी बायर्स हैं उनका एसएल कटने के बाद वो सेलर बन जाएंगे और मार्केट को यहाँ तक इस पॉइंट तक ला सकते हैं, 34,500 के आसपास तक आ सकते हैं। लेकिन पहले आप 35,000 को क्रॉस कर जाने दीजिए, इसके बाद ही यहाँ पाएगा। 35,000 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो यहाँ से मार्केट सेल साइड में मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लियर, फिर से मैं रिफ्रेश करके आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ क्लियर। यहाँ पर क्लियर देख लीजिए कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। अगर फ्लैट खुलती है 35,000 से लेकर 35,200 के बीच में खुलती है और इस तरह से ट्रेड करने के बाद अपसाइड क्रॉस करती है 35,250 को, तो हम वहाँ पर बाय करेंगे। 35,000 को क्रॉस करती है नीचे तो हम सेल करेंगे। अगर गैप अप खुलती है तो हम पहले वहाँ पर 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल बनने देंगे, इसके बाद उसके लो के नीचे सेल करेंगे, हाई के ऊपर बाय करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन का सिचुएसन आती है, गैप डाउन खुलती है 35,000 के नीचे खुलती है या 35,800 या 35,900 के आसपास खुलती है, तो वहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। चलिए हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में भी हम पहले यहाँ पर मंथली कैंडल को देखेंगे, इसके बाद ही हम वीकली को देखेंगे, इसके बाद हम डेली कैंडल के डेली एनालिसिस हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं निफ्टी 50 के हम लोग आ गए हैं मंथली कैंडल पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड चल अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये कंटिन्यूस ये पॉज ले लेकर अपर साइड जा रहा है और पॉज ले लेकर अपर साइड जा रहा है। यहाँ पर भी पॉज लेने के बाद इस हाई को क्रॉस कर चुका है, इस हाई को क्रॉस कर चुका है। लेकिन अब बैंक निफ्टी को देखेंगे कि यहाँ पर जो हाई लगाया था उस हाई के आसपास अभी पहुँचा नहीं है। इस सपोर्ट के पास इस लेवल के पास सपोर्ट लेकर के अप जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाँ से डाउन फॉल हुआ था, जिस पॉइंट से डाउन फॉल के लिए ब्रेकआउट हुआ था उसी पॉइंट के आसपास में है। लेकिन यहाँ जो निफ्टी 50 को आप देखेंगे कि ये ट्रेंडिंग कर चुका है, इस हाई को भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अगर आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक में यानी कि मंडे को अगर इस हाई को क्रॉस करता है तो यहाँ से फास्ट मोमेंटम हो सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, या फिर मार्केट एक मंथ का पॉज ले सकता है, क्योंकि यहाँ निफ्टी में ऑलरेडी बहुत ही हाई लगा चुका है। तो हो सकता है कि जून के महीने में यहाँ पर पॉज लें तो ही अगले मंथ में कंटिन्यू करें, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर फास्ट मोमेंटम करेगा और ये थोड़ा सा पॉज लेगा तो इजीली दोनों सेम लेवल पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 के इंडेक्स में हमें नेक्स्ट मंथ में पॉज का सिचुएशन बन रहा है। लेकिन अगर इस पॉइंट को क्रॉस करती है, 15,500 के क्रॉस करती है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। छोटा सा एसएल रख के आप डेली कैंडल में एसएल देख लीजिएगा, एसएल देख करके आप यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इस लेवल को क्रॉस करती है 15,500 के, तो आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। चलिए हम लोग वीकली कैंडल में देख लेते हैं। वीकली कैंडल में भी आप यहाँ पर देखेंगे कि एक स्विंग बनाया है, इस तरह से अप ट्रेंड का ये जो स्विंग बनाया है, इस स्विंग के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ पर ऐसे भी फर्स्ट बार में यहाँ पर जा नहीं सकता, यहाँ पर पहले इसको पॉज लेना पड़ेगा। मैंने अभी बताया आपको मंथली कैंडल में कि मार्केट हो सकता है कि इस महीने जून के माह में यहाँ पर पॉज ले, तो हो सकता है कि यहाँ पर 2-3 वीक इसी लेवल के नीचे रहे, यहाँ पर पॉज ले, इसके बाद ब्रेकआउट करे तो परफेक्ट रहेगा, हमारे लिए ट्रेड करना ईजी रहेगा। चलिए हम लोग मंडे के लिए देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे यहाँ पर क्या करना है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं 15 मिनट चार्ट पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम हुआ था, लेकिन आप यहाँ देखेंगे निफ्टी में एक ही रेंज में ही ट्रेड करते रहा, 15,500 से लेकर 15,400 के बीच में 100 पॉइंट का रेंज में ही ट्रेड करते रहा। यहाँ पर जिसने भी सीप सेल किया होगा तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मोमेंटम हुआ नहीं है। तो सीप दोनों सेल किया होगा तो दोनों में मोमेंटम मिला होगा, क्योंकि सेल करना ज़्यादा बेहतर होता है, बाय करने के लिए क्विक मोमेंटम चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये रेंज में ही है, तो सीप दोनों सेल करने वाले को अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मंडे को क्या करेगा, यहाँ पर किस पॉइंट पे ओपन होगा, तो हम क्या करेंगे। चलिए अगर मान लेते हैं कि इस रेंज में खुलती है 15,500 से लेकर
400 के बीच में खुलती है, 100 पॉइंट का जो रेंज है इस बीच में खुल करके अगर अपसाइड क्रॉस करती है 15,500 के तो हम वहाँ पर बाय करेंगे, और 15,400 को क्रॉस करती है तो हम सेल करेंगे। लेकिन अगर अपसाइड गैप अप खुलती है, मान लीजिए 15,500 के ऊपर खुलती है, या 15,520 या 15,550 के ऊपर खुलती है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट निगेटिव कैंडल बनने देंगे और इसके लो के नीचे सेल करेंगे। यहाँ पर सेल करना परफेक्ट रहेगा, यहाँ से सेल अच्छे तरह से आ सकती है, यहाँ से सेल साइड में हमें अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। इस स्विंग तक 15,480 तक हमें यहाँ पर प्रॉफिट, हम इस पॉइंट तक आने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर गैप डाउन खुले तो हम क्या करें, तो चलिए हम लोग गैप डाउन में भी देख लेते हैं। अगर इस पॉइंट के नीचे खुलती है मार्केट, अगर इस पॉइंट के नीचे खुलती है 15,380 के नीचे खुलती है, 15,400 के नीचे खुलती है यहाँ, तो यहाँ पर मार्केट होल्ड कर सकता है। यहाँ पर फिर से वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है, यहाँ से मार्केट फिर एक रेंज में ट्रेड करने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे खुलती है, इस लेवल के नीचे खुलती है या इस लेवल पर खुलती है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर जितने भी होंगे उनका एसएल हिट नहीं होगा। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आती है, 15,280 के नीचे आती है, तो यहाँ से सेल साइड मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अगर इसके आसपास में खुलती है, इस पॉइंट पर खुलती है 15,300 के ऊपर खुलती है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ से बाय मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्विंग है इस स्विंग को कटेगा नहीं और बायर का एसएल कटेगा नहीं, तो यहाँ से बायर फिर सोचेंगे इसे अपसाइड ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर 15,300 के ऊपर खुलती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल ढूंढना चाहिए। अगर कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनेगा तो हम वहाँ पर बाय करेंगे। चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है वो हमारा PVR है, PVR है। PVR में हम लोग देखेंगे यहाँ डेली कैंडल में, जब भी हम स्टॉक ढूंढते हैं वो डेली कैंडल पर ढूंढते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक डाउन साइड आ रहा था, इसके बाद इस तरह से पैटर्न क्रिएट किया, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर पॉज ले ले करके अपसाइड जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक कैंडल पॉज लिया इस तरह से, और इसके बाद अपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर 1300 अपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर कल मंडे को 1310 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। छोटा सा एसएल रहेगा हमारा 1280, तो यहाँ पर 30 पॉइंट का एसएल रहेगा, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, हमें 1360 का भी हाई देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, वो है यूप्रो। यूप्रो में भी देखेंगे, हमें बहुत ही परफेक्ट प्लस पर यहाँ पर बाय करने का मौका मिला है। यहाँ पर देखेंगे कि बहुत टाइम से इसी पॉइंट पर ये होल्ड कर रहा था, इस पॉइंट पर ये होल्ड किया इस तरह से, देखिए पोलैंड फ्लैग का पैटर्न बनाया, इसके बाद ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से पॉज लिया और फिर से अप गया, फिर से यहाँ पॉज लेने के बाद इस स्विंग को ब्रेकआउट कर दिया है। अब इस ब्रेकआउट के बाद भी आप यहाँ पर देखिए कि एक इनसाइड कैंडल बन चुका है, तो अगर कल इस लेवल को क्रॉस करती है 540 के ऊपर प्राइस सस्टेन करती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, 550 का भी हाई लगा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है वो हमारा है कॉलपोल। यहाँ पर देखेंगे कि कॉलपोल भी बहुत अच्छा प्लेस पर है, यहाँ पर देखिए बहुत मल्टीपल टाइम ये लेवल टेस्टेड है, मल्टीपल टाइम यहाँ पर ये जो लेवल है वो टेस्टेड है। इस टेस्टेड लेवल को यहाँ पर देखिए बहुत बार इस तरह से टेस्ट कर चुका है, इस टेस्टेड लेवल को यहाँ को क्रॉस करके यहाँ पर पॉज भी ले चुका है, और पॉज लेने के बाद भी ये फिर से रिवर्स कर चुका है। जैसे ही कल अगर यहाँ पे 1725 को अगर क्रॉस करती है, 1725 को क्रॉस करती है तो यहाँ पर बाय करेंगे, बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है। यहाँ पर हम इसे पोजिशनल भी लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, यहाँ पर 1800 का भी हाई लगा सकता है इंट्राडे में, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन, क्यों बिकॉज जब भी मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करूँ तो
उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। आप लोगों के अच्छे अच्छे वीडियो सीखने को मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारे लर्निंग पॉइंट बताए जाएंगे, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट सीखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।